हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम मल्टीपर्पस वॉल हैंगिंग और किचन नैपकिन बनाएंगे। इसे बनाने में मैं खादी का टॉवल और पुराने बचे हुए कपड़े इस्तेमाल करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही कम समय में बन जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल स्टिच होम को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर को कट करके टॉवल से अलग कर लें। इसे कट करने में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बॉर्डर की तरफ रखें। टॉवल के दूसरी साइड भी इसी तरह बॉर्डर को कट कर लें। अब वॉल हैंगिंग के लिए 2 पीस फैब्रिक कट करें। पहले पीस के लिए चौड़ाई में 11 इंच और लंबाई में 14 इंच पर मार्क करें। सेम मार्किंग इस साइड भी कर लें। अब इन मार्किंग लाइन पर से इस तरह से लाइन बना लें। अब दूसरे पीस पर मार्किंग करें। दूसरे पीस की चौड़ाई पहले पीस से कम 3 इंच ज़्यादा रखें और लंबाई में सेम रखें, यानी कि चौड़ाई में 14 इंच और लंबाई में भी 14 इंच पर मार्क करके इसे कट कर लें। कट करने के बाद अब इसे 11x14 इंच वाले पीस को लें और उसे सेंटर से फोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद इसके एक एंड पर तिरछा कट कर लें या कट ऊपर से 3 इंच छोड़ कर करें। अब इस पीस के ऊपर एक पॉकेट अटैच करेंगे। पॉकेट के लिए एक मैंने बुकरम का पीस कट किया है जिसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई में 8 इंच रखा है। अब यह बचे हुए कपड़े को लें और इसे यहाँ से स्टिच करके ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर बुकरम को रखकर आयरन के द्वारा पेस्ट कर लें और इसके चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए कट कर लें। कट करने के बाद बुकरम के चारों तरफ फैब्रिक को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बुकरम के चारों तरफ फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब इस पीस के ऊपर पॉकेट अटैच करें। पॉकेट को सेंटर में अटैच करने के लिए इसके तीनों तरफ से 1.5 इंच पर मार्क कर लें। इससे पॉकेट इस पीस के ऊपर सेंटर में अटैच होगा और यह दिखने में भी सुंदर लगेगा। 1.5 इंच का मार्किंग दोनों साइड में करें और उसके ऊपर सीधी लाइन बना लें। पॉकेट को मार्किंग प्लेस पर रख कर इसे 3 साइड से स्टिच करके फिक्स करें। यहाँ मैंने पॉकेट को 3 साइड से स्टिच करके फिक्स कर लिया है। अब इस पीस को सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ नीचे इसके मिडिल पॉइंट पर कट लगाएं। अब दूसरे पीस को लें, उसको भी सेंटर से फोल्ड करके उसके भी मिडिल पॉइंट पर कट लगाएं। अब दोनों पीस को ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन करने के लिए दोनों पीस का सेंटर पोजिशन आपस में मैच कराएँ। दोनों पीस का सेंटर पोजीशन मिलाते हुए नीचे वाले पीस पर इस तरह से एक इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट बनाएं। इससे हमारा दोनों पीस का साइड में मैच हो जाएगा और इसके बाद यहां से यहां तक स्टिच कर लें। यहां मैंने दोनों पीस को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके स्टिचिंग को हम कवर करेंगे। इसके लिए मैंने यह 1.5 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप लिया है। इसे सेंटर से फोल्ड करके आयरन के द्वारा सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से यहाँ स्टिच करें। स्टिच करने के बाद स्ट्रिप को टर्न करें और इसके ऊपर से एक टॉप स्टिचिंग दें। डबल टॉप स्टिचिंग करने से दोनों पीस का स्टिचिंग मार्जिन वाला फैब्रिक कवर हो जाएगा, जिससे हमारा वॉल हैंगिंग में नीटनेस आएगा। भला स्टिचिंग यहां से यहां तक करें। यहां पर मैंने डबल टॉप स्टिचिंग कंप्लीट कर दिया है। इसके बैक साइड से इस तरह से दिखेगा। अब हम इसका साइड का स्टिचिंग करेंगे। साइड का स्टिचिंग के लिए यह स्ट्रिप को लें और स्ट्रिप का ओपन पार्ट ऊपर की ओर रखें और इसके चारों तरफ से 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेकर स्टिच करें और स्टिचिंग यहां से स्टार्ट करें। यहां कॉर्नर पर टर्न लेते वक्त स्ट्रिप को फोल्ड करके छोटा प्लीट्स बना लें। अब इसके चारों तरफ से स्ट्रिप को स्टिच करके ज्वाइन करें। स्ट्रिप को चारों तरफ से स्टिच करने के बाद स्ट्रिप को यहाँ से इस तरह फोल्ड करें और इसके ऊपर लाकर इसे ऊपर में एक टॉप स्टिच करें। यहाँ कॉर्नर पर इस तरह से फोल्ड करें, इसे कॉर्नर का शेप अच्छे से आएगा। स्ट्रिप का टॉप स्टिचिंग करने के बाद यह इस तरह से दिखेगा। इसका बैक साइड इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं स्ट्रिप का स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक लूप अटैच करेंगे। लूप को इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ इसके नीचे रख कर ऊपर से स्टिच करें। अब हम किचन नैपकिन बनाएंगे। यहाँ मैंने कपड़े को 1 फोल्ड देकर डबल लेयर में सेट किया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ से कट कर लें।
अभी दोनों नैपकिन को यहाँ से कट करके सेपरेट करें। अब टॉवल के बॉर्डर को लें और टॉवल के बॉर्डर का ए वाला पार्ट बाहर की ओर रखें और इस पार्ट से नैपकिन को मिलाते हुए ज्वाइन करें। नैपकिन वाले साइड को बॉर्डर वाले पार्ट से हाफ इंच अंदर की ओर रखकर 0.25 स्पेस लेते हुए स्टिच करें। ज्वाइन करने के बाद बॉर्डर वाले पीस को ऊपर की ओर करें और जो बॉर्डर के पास हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच करें। टॉप स्टिच करने के बाद नैपकिन इस तरह से दिखेगा। इस तरह से स्टिच करने से नैपकिन के दोनों साइड फिनिशिंग आएगी। सेम प्रोसेस से नैपकिन के तीनों साइड बॉर्डर अटैच करें। इस तरह से बॉर्डर अटैच करने से नैपकिन दिखने में भी सुंदर लगेगा और इसका लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। फाइनल लुक नैपकिन का ऐसा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल स्टिच होम को सब्सक्राइब भी जरूर करें।